हेलो गाइस, शाम के बज रहे 5:15। मैं जस्ट 10-15 मिनट पहले उठी। आई थिंक मैं 15 मिनट के लिए सो गई थी, 15 या 25 मिनट के लिए, बट मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मतलब दिन को ना मुझे इतनी ही नींद आती है, बट वो बहुत अमेजिंग आती है। सो ये सभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। सो अभी मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी, सो चलते हैं कैफे। गुन्नू ने वैसे मुझे बोला था आराम से आई हूँ, बट स्टिल मैं सोच रही हूँ यहाँ पर क्या ही करूँ, दिल है कि मानता नहीं। सो चलिए चलते हैं। रात के बज रहे 1। मैंने अभी मटर छीले, जिसकी मैं सुबह बनाऊंगी मशरूम मटर बनाऊंगी मैं सुबह। और मशरूम यहाँ पे भिगोने को रखा है, सो दैट मैं सुबह उठ के इसको बस वॉश करके कट करूंगी और मशरूम मटर बनाऊंगी। दिन के बजने वाले हैं 12। मैंने यहाँ पे लगा के रखा है बर्गर, बर्गर का ऑर्डर है और कॉफ़ी बना दी थी। कॉफ़ी का ऑर्डर था, अभी है पराठे का। भैया आज अभी तक आए नहीं, बिकॉज उनके पेरेंट्स आए तो वो उनसे मिलने गए हैं। अभी मैं बर्गर का ऑर्डर दे के उसके बाद बनाऊँगी पराठा। बर्गर ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, तो हम पहले करेंगे इसको ऐसे। ओके ओके गाइस, बहुत गर्म है, बहुत ही गर्म। ये हम ऐसे करके ओके लाइक दिस डन। Ready to serve. यहाँ पे बन रही है चाय, पराठा का ऑर्डर मैंने दे दिया है, अब चाय उबलने देती हूँ। इसका कलर अभी आया नहीं है। भैया जबरदस्ती खिला रहा है खाना, भैया जबरदस्ती नहीं चलेगी आपकी, ठीक है ना? जबरदस्ती खिला रहा है खाना, कहता खाओ 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 खाओ। तो मैं कर दिया गर्म भरावा, मानता नहीं भरावा, क्या तो दूंगा मैं आपे। इनको पता, मैं फिर डांटती हूँ कि जो बर्तन गंदे करते हैं वही धोते। आज भैया की मम्मी ने लाया साग, है ना? हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज मी प्रतिमा चौहान एंड वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, आई एम आल्सो डूइंग वेल। सो दिन के बज रहे हैं 3। मैं जस्ट अभी घर पहुंची हूँ और सुबह मैं कैफे चली गई थी। एज यूजुअल 10:30 के लिए मैं पहुंच जाती हूँ, कभी 10:20 पहुंच जाती, तो आज मैं भूल गई थी व्लॉग करना सुबह, तो थोड़ा सा मैंने कैफे में तो कर लिया था व्लॉग। सो अभी मैं घर पहुंची हूँ एंड तो लंच बनाना है। रात को मैंने मशरूम भिगोने को रखे हैं और मटर छिल दिए, सो अभी मटर और मशरूम बनाऊंगी। आटा भी गूंदना है, बहुत सारा काम करना है, बहुत जोरों से भूख लगी है। सो फटाफट करते हैं काम, फिर आपसे मिलते हैं बाद में। अगर चंडीगढ़ में ठंड की बात करो तो दिन को कोई ठंड नहीं है। देखो मैंने ड्रेस पहनी है और बिल्कुल ठंड नहीं है, बट शाम के टाइम 8 बजे का इतनी ठंड है ना, मैं आपको क्या बता। 8 बजे के बाद मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है, दिन को बिल्कुल भी ठंड नहीं है। सो बस अभी तो मैंने ड्रेस पहनी थी, उसके बाद मैं पैक होके जाऊंगी पूरी। चलो मैं फटाफट से खाना बना देती हूँ। 4 बजने वाले हैं, मशरूम मटर बन रहा है। यहाँ पे मैंने आटा गूंदा और अब बनाऊंगी रोटी, और काफ़ी टाइम के बाद मैं रोटी बना रही हूँ, वरना जल्दी जल्दी मैं राइस ही बना देती हूँ, दाल वगैरह बना देती हूँ। मैंने लंच कर लिया है, भले ही 4 बज गए, 4:15 हो गए, बट आज मुझे इतना यमी लगा और इतने टाइम के बाद कुछ अच्छा खाया। अच्छा मतलब कि राइस ही खा रहे थे काफ़ी टाइम से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने थे मशरूम और मटर। सो अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी देर रेस्ट, उसके बाद फिर शाम को जाएंगे कैफे। शाम के बज गए हैं 6, मैं रेडी हो गई हूँ ऑफिस नहीं कैफे जाने के लिए। और आज मैंने ये हुड पहना है, ये शायद 2 या 3 साल पुराना है, और मैं इसको इसलिए नहीं पहनती, वाइट है ना गंदे हो जाते हैं, ऑफिस के लिए भी कम पहनती थी, तो आज मैंने देखी कपड़ों के बीच पड़ा, बिल्कुल नया पड़ा, तो मैंने पहन लिया। और मैंने जब लिया था तो ये बड़े शौक से लिया था मैंने, बिल्कुल कि वाइट मेरे पास कम कपड़े हैं तो मैं ले लिया। सो मैंने सोचा कि ऐसे पड़ा है तो पहन लेते हैं। सो चलते हैं अब कैफे, और उसके बाद
मैं देखती हूँ अगर कैफ़े में रश हुआ तो भी नहीं जाऊँगी, अदरवाइज मुझे पेट्रोल भी फिल करवाना कार में ख़त्म हो गया है, सब जाता है कैफ़े। मैं कैफ़े में चली गई थी, वहाँ पे सब्जियाँ भी ख़त्म है और मेरा पेट्रोल भी ख़त्म है, सो मैं यहाँ पे पेट्रोल फिल करवाने आई हूँ। पहले सोचा चंडीगढ़ जाऊँगी, वहाँ पे थोड़ा सस्ता है, बट फिर सोचा टाइम नहीं है, फिर यहीं पे मोहाली में फिल करवाऊँगी। आइसक्रीम ही यहाँ पे न्यू ओपन हुआ है। पेट्रोल फिल करवा दिया है, अब हवा भी चेक करवा लेती हूँ। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, बस इसके बाद मेरी टर्न। टन 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 टन। शाम के बज रहे हैं 7 और आज इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड है ना, क्योंकि हमारे जो कैफे ना, तो उसके लाइक किस साइड बोलूँ, राइट साइड स्पेस खाली है और लेफ्ट साइड भी, दोनों साइड स्पेस खाली है, तो जहाँ पे भी स्पेस खाली होता है तो हवा डायरेक्ट वहाँ पे जाती है, सो यहाँ पे बाहर जाना तो इम्पॉसिबल सा हो गया, इतनी तेज हवा चली है। और गुन्नू आकांक्षा गए हैं मार्केट कुछ सामान के लिए और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, सो यार ठंड बहुत ज़्यादा है। हेलो गाइस, सो मैं घर पहुँच गई हूँ और टाइम हो रहा है 11:15। आज जल्दी हम आ गए हैं, क्लोजिंग कर ली थी बिकॉज मार्केट बिल्कुल खाली थी, तो हमने सोचा कि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा, आज इतनी हवाएं चल रही थी, मैं आपको क्या ही बताऊं। सो मैं आ गई, अभी बैग वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है और बेड पे भी ब्लैंकेट है और बेड पे ब्लैंकेट वगैरह, सो सफाई करूँगी, फिर नहाऊंगी, फिर डिनर करूँगी, डिनर ऑलरेडी बना हुआ है, सो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप लोग भी बोलते होंगे ना कितने सारे कपड़े कहाँ से आते हैं, बट एज आई टोल्ड यू बिफोर कि कैफे में कोई हम चेयर पे नहीं बैठते हैं ना कि हम वहाँ पे ऑर्डर करेंगे, हमें बहुत सारे काम खुद करने पड़ते हैं, 70% काम, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ, तो जो है सब कुछ गंदा हो जाता है, इसलिए जो भी कपड़े पहनते हैं सेम उसी दिन धो लेती हूँ मैं। ये मैंने पपाये कट करके रख दिए हैं और ये है नमकीन जो कि शैली की मम्मा ने मेरे लिए रखी है और मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं खाया है, और फ्रिज भरा पूरे सब्जी और फ्रूट से, एंड सो मैंने अपने सारे काम फिनिश कर लिए हैं, अब मैं फ्री हो गई हूँ, टाइम से सब कुछ हो गया है आज, एंड सो अब सो जाती हूँ। सो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, बाय बाय।